नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। राशिफल के जरिए आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गुरुवार की व्रत की विशेषता क्या है? बृहस्पति देव को ज्ञान और बुद्धि का कारक माना जाता है। सही निर्णय क्षमता ज्ञान और बुद्धि के साथ ही गुरु दोष से मुक्ति को लेकर गुरुवार का व्रत रखा जाता है। देव गुरु बृहस्पति की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। लगातार 7 दिनों तक गुरुवार का व्रत रखने और गुरु की पूजा करने से कुंडली में गुरु ग्रह से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं से राहत मिलती है। विवाह में जिन लोगों को किसी भी तरह का विलंब हो रहा है, उनको गुरुवार को व्रत करने को कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और केले के पौधे की पूजा की जाती है। गुरुवार का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, साथ ही माता लक्ष्मी भी उन भक्त पर प्रसन्न रहती है। उनके जीवन से धन की सभी समस्या खत्म हो जाती है। गुरुवार को व्रत जीवन में सुख समृद्धि शांति पाप से मुक्ति पुनः लाभ पाने के लिए रखा जाता है। और अब चलिए राशिफल की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। किसी पर भी आपको पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। कोई जरूरी काम टल सकता है। घरेलू खर्च मानसिक तनाव और कलह का कारण बन सकते हैं। अपनी परेशानियों को माता पिता से शेयर कर सकते हैं। मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की। परिवार वालों की कुशलता और खुशहाली से मन में संतोष उत्पन्न होगा। फिल्म निर्माण और अभिनय से जुड़े लोगों को उत्तम अवसर मिल सकते हैं। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ कमा सकते हैं। जॉब में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। काफी दिनों से नौकरी में चल रही समस्या खत्म हो सकती है। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। नए कारोबार में निवेश कर सकते हैं। संतान के विवाह की चिंता दूर होगी। कार्यक्षेत्र की समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आपके मैनेजमेंट की काफी प्रशंसा होगी। शासन और प्रशासन का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसको लोग शायद अभी व्यवहारिक ना मान रहे हो। जो लोग जुए और नशे से जुड़े हैं, उनको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप भ्रमित हो सकते हैं। आध्यात्मिक विचारों के मनन में समय बिताना सर्वोत्तम होगा। सामाजिक रिश्तों का दबाव आपके ऊपर बन सकता है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। आपका मूड काफी सकारात्मक और उत्पादक रहेगा। सुरक्षा और पुलिस विभाग से जुड़े लोगों पर जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ेगा। अपने धन का सदुपयोग करें और बिना सोचे विचारे उसे खर्च ना करें। योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने से आपको कारोबार में भविष्य में भी अच्छा लाभ होगा। और अब बात करते हैं तुला राशि की। परिवार और ऑफिस दोनों ही जगह आप संयम का परिचय देंगे। बड़े और बुद्धिमान लोगों की संगति प्राप्त होगी। गुप्त शत्रुओं का भेद आपके सामने खुल सकता है। आपकी सेवा भावना लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। विद्यार्थियों को जॉब प्लेसमेंट के अवसर मिल सकते हैं। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की और जानेंगे 23 फरवरी का दिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मांगलिक कार्यों की तैयारी कर सकते हैं। कमीशन से जुड़े व्यापार में लाभांश बढ़ेगा। संतान के प्रति आपका प्रेम भाव बढ़ेगा। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान अवश्य रखें। पिता के साथ और मार्गदर्शन का लाभ आपको व्यापार संभालने में मिलेगा। और अब बात करेंगे धनु राशि की। कुछ नजदीकी लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। यदि घर से बाहर जा भी रहे हैं तो अतिरिक्त धन लेकर चले। जिद्दी रवैया अपनाने से बचे। छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान रखे। प्रतिद्वंदियों से आपको सावधान रहना चाहिए। सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करें। और अब बात करेंगे मकर राशि की। आप व्यस्त तो रहेंगे ही, लेकिन आप परिवार के साथ आनंद के क्षण भी बिताएंगे। आपकी सेहत पहले से बहुत ही अच्छा रहेगी। आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे। बॉस आपके काम को देखकर काफी खुश रहेंगे। पर्यटक से जुड़े कारोबार में घाटा हो सकता है। ज्यादा भावुक होने से बचे। अपनी कमजोरी किसी से साझा ना करें। शाम तक कोई गुमी चीज वापस मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। लोग आपकी झूठी प्रशंसा भी करेंगे। और अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। 23 फरवरी का दिन आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। कानूनी मामलों में विजय प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। शुभ और धार्मिक कार्यों के भाग लेंगे। धन के मामले में आत्मविश्वास से युक्त रहेंगे। काम को पूरा करने का जुनून रहेगा। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।